सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आमरान्स किचन। आज हम अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बना रहे हैं, वो है चिकन बारबेक्यू टिक्का। बहुत आसान तरकीब है, बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स है, घर के मसालों से आप बहुत बेहतरीन टिक्का अपने घर में बहुत ही हाइजेनिक तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मुझे दरकार हैं वो कुछ वो हैं। मैंने चिकन टिक्का के पीस ले लिए हैं, दो लेग पीस हैं और दो ब्रेस्ट पीस हैं। ठीक है, पूरी एक होल मुर्गी हो गई है, ठीक है, वो ली है मैंने। उसके साथ मैंने थोड़ी सी चिकन के जो कटी हुई चिकन होती है वो भी मैंने 8-10 पीसेस ले लिए, ठीक है, वो भी मैंने ले लिए हैं ताकि आप दोनों तरीक़ों से समझ सकें कि अगर हमारे पास इस तरह के बड़े पीसेस नहीं हैं तो हम छोटे पीसेस में किस तरह इसको तैयार कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मसालों में जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ यूँ हैं। नमक ले लीजिए 1 टेबल स्पून या हसब ज़ायक़ा, हल्दी 1/2 टी स्पून, मिर्ची 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्ची पिसी हुई 1 टी स्पून, 1/2 टी स्पून अजवाइन कुटा हुआ, 1 टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ, खचड़ी पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून मैंने कच्चा पपीता पिसा हुआ, ठीक है। ये दोनों आप हाफ हाफ करके ले लें या एक चीज़ आप ले लें, कच्ची पाउडर ले लें 2 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून पपीता ले लें, मैंने एक एक ले लिया। ये दोनों मीट टेंडराइजर हैं ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से अंदर तक गल जाए। दही मैंने लिया है 5 टेबल स्पून, जो आधा पाव के तकरीबन जितना हो जाता है। तेल ले लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, 5 अदद हरी मिर्चें हैं, 1 अदरक का टुकड़ा है और कुछ लहसुन के जमे हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना लहसुन है। इन तमाम चीज़ों को मैंने फ्रेशली इसके अंदर हावन दस्ते में कूट लिया है। इसकी जो स्मेल है फ्रेश वो आप पिसावा अगर लेंगे तो उसकी इतनी अच्छी नहीं होगी खुशबू। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने कुटी हुई ली हैं और जो मैंने पीसी हैं ये सब फ्रेशली तैयार की हुई है। एक अदद नींबू ले लिया है मैंने, बड़ा रसदार सा नींबू है देसी, तो एक काफ़ी होगा ये। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा तसला लेंगे जिसके अंदर हमें सारी चिकन मैरिनेट करनी, दही डालेंगे। दही डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे ताकि सारे लम्स निकल जाएं। अब हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। जो जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है मसालों की वो बहुत बैलेंस्ड है, आप उसी हिसाब से डालिए। सारे मसाले डालने के बाद आप नींबू निचोड़िए और इन मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मसाला हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, अब इस स्टेज में हम चख लेंगे कि इसमें और किसी चीज़ की कमी पेशी तो नहीं। बेहतरीन, परफेक्ट, मज़ेदार, चटपटा, बहुत बेहतरीन मसाला है। जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब इसको कोट करेंगे, हम ब्रेस्ट पीस ले लेते हैं, मसाले लगाएंगे, जो कट्स डीप कट्स लगवाएंगे आप मुर्गी वाले से खुद ही लगवा लें या फिर आप घर में ला के इसको धो के अच्छे से कट लगा लें। अंदर तक मसाला आप उंगलियों की मदद से लगा लें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको कोट कर लिया है, आगे पीछे हर जगह से आप इसको अच्छे से मसाला लगा लीजिए और इसको किसी प्लेट में रख दीजिए। इसी तरह हम मुर्गी के सारे पीसेस पे अच्छे तरीके से मसाला लगा लेंगे उंगलियों की मदद से, बड़े पीसेस में भी और उसके बाद जितने भी हमारे पास छोटे पीसेस हैं उसको मसाले में डाल के अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से सब मसाला कोट कर लिया है हर तरफ से और इस बाउल के अंदर अब हम इसको छोड़ देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। 4 घंटे में बेहतरीन मसाला इसके अंदर रच बस जाएगा, फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा। अंगीठी तैयार करने का तरीका बताएंगे। अंगीठी ले लीजिए, उसके अंदर हमने कोयले बिछा लिए, ठीक है। अब हम कोयले दहकाने का क्या तरीका है आपको बताते हैं। कुछ कोयले हमने चूल्हे के ऊपर इस तरह दहका लेने हैं
ठीक है। जब ये दहक जाएंगे तो हम इसको फिर उसके ऊपर रख के फिर बाकी कोयलों को इन्हीं से दहकाएंगे। कुछ लोग पेट्रोल से करते हैं या मिट्टी का तेल डालते हैं तो वो एकदम से भड़क जाते हैं। तो ये आपके बहुत आराम से पूरे आपका जो ड्यूरेशन है उसमें ये तिक्के कोयले जो है वो आराम से चलेंगे और आपका बहुत अच्छे से बारबेक्यू होगा। चलिए 4 घंटे हो गए हैं हमारा मसाला मैरिनेट करके, अब हम इसको सीखों पे लगाएंगे। जो ये पीसेस चूंकि बड़े हैं तो इसको हम 2 सीखों में लगाएंगे, एक सीख को हम यूं लगाएंगे और एक सीख को हम यूं लगाएंगे, ठीक है। अब हम इसको पुरोना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अंदर से गोश्त इतना नरम हो गया है कि बिल्कुल आराम से ये लग रहा है। ये देखिए एक सीख में लग गई है और इसके बाद मैं दूसरी सीख लगाऊंगी। एक सीख हमने यूं लगा दी है, अब दूसरी सीख हम इसको पुरोते हुए बनाएंगे ताकि ये भी लटके नहीं, ढलके नहीं, ठीक है। पूरा ये यहाँ से लेंगे और उसके साथ घुसाते हुए अपने हाथ को बचाते हुए ये लगा दीजिए। ये देखिए अब कितना बेहतरीन रेडी हो गया है ये। अब हम इसको कोयले पर रखेंगे। देखिए हमारा रेडी हो गया है। ठीक है, ये हमारा थाई पीस है, लेग पीस, और ये हमारा विंग पीस है, ठीक है। ये दोनों लग गए हैं। अब हम सिंगल गोटियां हम किस तरह लगाएंगे, ये देखिए चपटी सीख है, ये तो बड़े आराम से लग जाएंगे, बहुत ही नरम गोश्त हो रहा है ये। ये देखिए थोड़े थोड़े फासले से हम इसको पुरो लेंगे। अच्छा, जो मसाला है वो भी हम ज़रा ज़रा से इसके ऊपर इसी तरह ब्रश से लगाते रहेंगे, ऑयल लगाते रहेंगे। इसका बाद का प्रोसीजर सब आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे कि किस तरह करना है। कोयले हमारे देखिए कितने शानदार दहक गए हैं, कोई 5-6 कोयलों से हमने बाकी सारे कोयले हवा कर करके दहका दिए हैं। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे सीखों को। कितने अच्छे से सेट हो गया ये। तो देखिए इसको इस तरह हम सेट कर लेंगे, ब्रश की मदद से टिक्कों के ऊपर। देखिए ब्रश की मदद से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और सेकते जाएंगे, दोनों तरफ से इसी तरह करेंगे। क्या है, अब हम इसको पकाएंगे। इसी तरह से भी शानदार सिक्के तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह बाकी सारे भी तैयार कर लेंगे। ये तैयार हो गया है, अब हम सीख से निकाल लेंगे इसे। बेहतरीन खुशबू आ रही है और ये गोश्त भी टूट रहा है। गोश्त बहुत बेहतरीन पूरा पक के तैयार हो गया है, टेंडर हो गई है हमारी चिकन। अब हम इसको निकाल लेंगे, आराम से सीखें निकल गई। ये देखिए इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए हमारी रेडी हो गया है। देखिए इतना टेंडर और जूसी हो रहा है, बिल्कुल अंदर तक गला हुआ और पक गया है। अब मैं आपको इसको असेंबल करके दिखाती हूँ, प्रेजेंट करके दिखाती हूँ डिश। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा प्लेटर कितना मज़ेदार, लजीज और 100% गारंटेड बाज़ार से किसी कीमत पे कम नहीं बल्कि उससे ज़्यादा हाइजेनिक और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा सा हमारा टिक्का रेडी हो गया है। नेक्स्ट मेरी अपकमिंग रेसिपी है पूरी पराठा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर बकरा ईद एक्साइटिंग रेसिपीज़। इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।